आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही खुद को समाज के लिए समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा कुमार कोमल जी की। आपको हम बताना चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमार संस्थान से वो जुड़े हुए हैं, इस संस्थान के वो PRO हैं और लगभग 26 सालों से वो इस संस्थान के लिए कार्यरत हैं, 2400 घंटे सेवा भाव के लिए समर्पित हैं। और क्या क्या खूबियां हैं उनके अंदर, ये सभी बातें हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे। तो चलिए, आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं ब्रह्मा कुमार कोमल जी का। नमस्कार कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोमल जी, सबसे पहले तो आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जिसका नाम मैं समझती हूँ कि हर किसी ने सुना होगा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ब्रह्म कुमारी जो संस्था है उसके बारे में थोड़ा सा आप हम सभी को बताएं कि किस तरह का ये संस्थान है, और अगर कोई व्यक्ति विशेष इस संस्थान का हिस्सा बनना चाहता है तो उसको क्या कुछ करना होता है इस संस्थान का हिस्सा बनने के लिए। जी जी, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। यह एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा की गई है। 1937 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं था उस समय हैदराबाद सिंध में इसकी स्थापना हुई और परमात्मा शिव ने 60 साल के दादा लेखराज के अंदर उनकी प्रवेशता हुई और उसके जरिए उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा कि इस दुनिया को चेंज करना है, माना ये नई दुनिया बनानी है और वो कोई इंसान नहीं बना सकता है, वो भगवान का ही काम है। तो परमात्मा शिव इस संस्थान के संस्थापक हैं। हमारे यहाँ कोई गुरुगद्दी का मामला नहीं होता है, हम लोग जो भी ध्यान करते हैं परमात्मा शिव को का ध्यान करते हैं। और इस संस्थान का मकसद है कि इंसान को सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाना, कि इंसान अच्छा कैसे बन सकता है, क्योंकि अगर इंसान के अंदर कोई भी अगर आसुरी अवगुण है, आसुरी अवगुण का मतलब ये होता है कि दुख देना, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, दूसरे के लिए गलत करना, गलत देखना, अगर ये हमारे अंदर है तो हम एक श्रेष्ठ इंसान नहीं हैं, क्योंकि इंसान को संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। लेकिन अगर उसके कर्म सर्वश्रेष्ठता के नहीं हैं तो असुरों की श्रेणी में आता है। और परमात्मा आकर के यही करता है कि वो इंसान को सर्वश्रेष्ठ इंसान यानी नर से नारायण, यानी मनुष्य को देवी से देवता के तुल्य बनाता है और वो होता है दिव्य गुणों के आधार पर। इंसान का जो विभाजन है दो ही तरीक़ों से होता है, अगर आदमी के अंदर अच्छाई है तो वो देवता है और अगर बुराई है तो असुर है जी। तो यह ब्रह्मा कुमारी संस्थान इंसान को सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाने का काम करती है कि आप जिस लिए इस दुनिया में आए हैं, जो सोचने के लिए आए हैं, जो करने के लिए आए हैं, वो आप कर सकें। वो असीम क्षमता आपके पास है, बशर्ते उसके लिए आपको परमात्मा के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और वो परमात्मा से कनेक्ट होने की विधि ही यहाँ पर बताई जाती है और आदमी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूरी दुनिया के तकरीबन 140 मुल्कों में है और कम से कम इसके 4.5-5 हज़ार ब्रांचेज हैं। और वैसे अगर देख ले तो रेगुलर इसके 20 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं जो इसके एथिक्स को फॉलो करते हैं। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पूरी मालिक बहनें हैं। ये त्रिनारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, दुनिया में पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें महिलाओं को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। ये माना जाता है कि अगर जहाँ महिला का या नारी का सम्मान नहीं होगा वहाँ स्वर्ग नहीं बन सकता, ये सच है। तो परमात्मा ने आकर के इस दुनिया की ये संस्था की स्थापना की और जो ज्ञान का कलश था, जो इसकी जिम्मेदारी सौंपी, वो माताओं बहनों के ऊपर रखी। इसलिए हमारे संस्थान की मुखिया इस समय दादी रतन मोहिनी हैं जो तकरीबन 97 ईयर की हैं। और पूरी दुनिया भर में 46,000 सिस्टर बहनें समर्पित हैं इस संस्थान में, जो पूरी दुनिया भर में जो हमारी ब्रांच है वो चलाती हैं। और जो भी संस्थान में लोग आते हैं उनको राजयोग ज्ञान ध्यान सिखा के उसको श्रेष्ठ इंसान बनाने का काम करती है। ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान का एक छोटा सा परिचय है। जी हाँ, और जिस तरह से आपने ये जो परिचय दिया है वाकई में सुनकर के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जो कि बहुत ज़रूरी है पूछना, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अब जिस तरह से आपने कहा कि ये जो संस्थान है ब्रह्मा कुमारी संस्थान, ये लोगों को बेहतर बनाने का काम करती है, डिवाइन पावर से जोड़ने का आप काम करते हैं और आध्यात्म की शिक्षा यहाँ पर लोगों को दी जाती है। अब सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आजकल का जो ये माहौल है, इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है, कंपटीशन का इतना ज़माना है, लोग जो हैं
अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन आजकल की आपाधापी में वर्क का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फैमिली का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, और इन सभी चीज़ों का स्ट्रेस लेकर हम अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर रह जाती हैं, अच्छा हम बन नहीं पाते हैं, या हमें अच्छा बनना आता नहीं है, वो हुनर हमें नहीं है। अब ऐसे में आप कितना चैलेंज समझते हैं इस चीज़ को कि इस तरह की ज़िंदगी में से किसी व्यक्ति को उठा करके डिवाइन शक्ति के साथ जोड़ना, अध्यात्म के साथ जोड़ना कितना चैलेंजिंग है आप सबके लिए? देखिए, चैलेंज तो है ही नहीं। चैलेंज इसलिए नहीं है क्योंकि आप पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं। अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, धंधे के लिए जा रहे हैं, गाड़ी के लिए जा रहे हैं, बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, आप नौकरी इसीलिए करते हैं कि मैं सुखी रहूं, मेरा बच्चा मेरा परिवार सुखी रहे जी। सिर्फ एक ही मकसद है, दूसरा कोई मकसद नहीं है। हमारा नाम हो, लोग दुनिया में जाने। लेकिन होता क्या है कि जहाँ इसकी प्राप्ति है वहाँ हम देख ही नहीं रहे हैं। ये कभी भी जो गुण है, जो सुख है, जो शांति है, जो आनंद है, जो प्रेम है, जिसके लिए आप भाग रहे हैं, वो कभी दुकानों में, पैसों में, बिल्डिंगों में और मटेरियल में नहीं है। आप देखिए कि आप जब पैदा होते हैं, जब आप पढ़ता है आदमी कि नहीं हम चल के पढ़ाई करेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर हमारी गाड़ियाँ होगी, बंगले होंगे, और जब सब कुछ आप जुटा लेते हैं उसके बाद फिर भी जब आप एक पड़ाव पर पहुँचते हैं तो लगता है कि मैं बिल्कुल खाली हूँ। जिसकी दौड़ में हम थे, हमने संसाधन तो जुटा लिए, लेकिन जिस दौड़ में थे उससे हम खाली हाथ रहे। तो जाहिर सी बात है कि मटेरियलिस्टिक में, भौतिक चीज़ों में उस सुख की प्राप्ति नहीं जिसके लिए हम भागते और दौड़ते रहे। एक्चुअली क्या है कि मनुष्य को अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम हैं कौन। जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं समझेगा, अपनी अंतरात्मा को नहीं समझेगा, अपने मूल्यों को नहीं समझेगा, एक्चुअली सुख और आनंद तो हमारे भीतर है, उसको सिर्फ जगाना है। और वो कैसे जागेगा? जब आपको अपनी ओरिजिनलिटी पता पड़ेगी। आज तो आप अच्छे कपड़े पहने हैं तो आपको लग रहा है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, कल एक कपड़े फट जाएगा इसको आप चेंज कर देंगी, कल कपड़ा गंदा हो जाएगा, आज आपके शरीर में बहुत, आप यंग हैं, आप सुंदर लग रहे हैं, कल थोड़े दिन के बाद यह शरीर पुराना हो जाएगा तो आप कुरूप हो जाएंगे। तो असली सुंदरता ये नहीं है जिसके लिए आप देख करके प्रफुल्लित होते हैं। एक अंदर की ऐसी सुंदरता होती है, खूबसूरती, जिसको गुण कहते हैं, जिसको मूल्य कहते हैं। अगर एक इंसान के अंदर अच्छा, मतलब मीठा बोलने की है तो लोग कहते हैं अरे वाह क्या बहुत अच्छा आदमी बोलता है। अगर किसी पे कोई परोपकार कर देता है एक गुण, तो कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, तुम देखो भगवान के तुल्य है। अगर आपके अंदर एक गुण होता है तो आपकी इतनी महिमा होती है। और अगर आपके अंदर श्री कृष्ण जैसे 16 गुण हो जाए जिसके लिए आप श्रेष्ठ कहे जाते हैं, फिर आप कैसे हो जाएंगे आप सोच सकते हैं। फिर आपका बोलना, आपका चलना, आपका उठना, आपका देखना, हर चीज़ आपको सुख और आनंद देगा। और यही नहीं, इससे जो दूसरा देखेगा उसको भी सुख आनंद मिलेगा। तो जब हम खुद सुखी रहते हैं और जब हमको खुद आनंद मिलने लगता है और फिर हमको देख करके दूसरों को आनंद मिलता है, तो उसकी खुशी और आनंद दिनों दिन बढ़ता जाता है। फिर आदमी की सुंदरता पे कोई नहीं जाता, बाहरी आवरण पे नहीं जाता, वो अंदर की खूबसूरती और सुगंध जो है पूरी दुनिया को महकाती है। और यही ब्रह्मा कुमारी संस्थान करता है। और अगर हम भाग दौड़ कर रहे हैं, भाग दौड़ बेशक करें क्योंकि जीविका के लिए करना जरूरी है, लेकिन किस तरीके से करना है वो हमको तय करना है कि क्या सोच के करना है, किस भाव से करना है, किस नज़रिए से करना है। वो विकसित स्पिरिचुअलिटी करती है, अध्यात्म करता है, जो अंदर से इंसान को सुखी, आनंद और बड़ा और खुशबूदार बनाता है। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन ये सिखाती है। और अगर आप थोड़ा सा समय इसमें निकालें तो जो भाग दौड़ से जो आपको स्ट्रेस होता है, जो भाग दौड़ से आपाधापी की ज़िंदगी है, उस पर आप नियंत्रण पाएंगे। आप दो रोटी खाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा आनंदित रहेंगे, आप एक घर में रहेंगे सबसे ज़्यादा सुखी रहेंगे, आप अगर बिना गद्दे की चारपाई पर सो जाएंगे सबसे अच्छी नींद आएगी। लेकिन अगर आपके पास दौलत है, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर डेवलप नहीं की, अपने आप को नहीं जाना, तो एसी में रह के भी आपको, आपके मानसिक पसीना आपको आता रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। जिसके लिए तमाम देख रहे हैं आप, तमाम बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, लोग वैभव की विलासिता के घरों में डूबे पड़े हैं लेकिन इन सारे चीज़ों से ग्रसित हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि उस चीज़ों में वो चीज़ मिल नहीं रही है जी। उन चीज़ों की प्राप्ति इधर से होनी है जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं। वाकई में ये बात तो सर आपने बहुत अच्छी कही है
की खूबसूरती जो है मन की खूबसूरती होनी चाहिए, इंसान के गुणों की खूबसूरती होनी चाहिए। बाहरी सुंदरता का बखान आप और हम कब तक आखिर करते रहेंगे? अगर हमें खुश होना है, सुखी होना है, सुंदर दिखना है, तो हमारा मन, हमारे जो भीतर की जो आत्मा है वो सबसे पहले प्रफुल्लित होनी चाहिए, तभी जो सारे जो सुख हैं उनको हम भोग पाते हैं। अच्छा, आपके संस्थान में जो शिक्षा दी जाती है, अध्यात्म की जो शिक्षा दी जाती है, मन को एकाग्रचित करके, शांत करके तमाम सुखों की अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं आंतरिक तौर पर, ये जो शिक्षा दी जाती है, तो इसका सर प्रोसीजर किस तरह से रहता है, मतलब किस तरह से ये सारी बातें सिखाई जाती हैं? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि सिंपल इसलिए है, मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे कोई आसन नहीं है, कोई एक ऐसा नहीं है कि छोटा नहीं कर सकता, बड़ा नहीं कर सकता, कम सुनने वाला नहीं कर सकता, बोलने वाला कर सकता है, बिना बोलने वाला नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के हम सब लोग बच्चे हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोई भी हो। तो परमात्मा का ज्ञान अपने सारे बच्चों के लिए होता है, तो भगवान ने इसलिए सहज राजयोग सिखाया। सहज राजयोग का मतलब ये होता है कि हर कोई कहीं भी बैठे हुए कर सके, तो उसके लिए हमारे यहाँ 7 डेज का मेडिटेशन कोर्स होता है। ब्रह्मा कुमारी में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स होता है, कि सबसे पहले होता है कि आप अपने को जानिए कि आप कौन हैं। पहले ये आइडेंटिटी जिस दिन हमको मिल जाए ना, तो इंसान के अंदर से बहुत सारी बुराइयाँ अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने को समझते हैं कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, तो एक अहंकार पैदा हो जाता है। लेकिन इस शरीर के पहले और शरीर को के बाद में, क्योंकि ये जो शरीर दिख रहा है ये तो जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जब हम शरीर में आते हैं उसके पहले की हमारी स्थिति और शरीर छोड़ने के बाद की स्थिति, वही हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। जिस दिन आपको उस आइडेंटिटी का पता लग जाएगा, आपके अंदर जो मूल्य हैं वो अपने आप बढ़ने लगेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आने के बाद 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स होता है, और उस 7 दिन के मेडिटेशन कोर्स में यही होता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ जाना है, परमात्मा कौन है, उसका रंग रूप क्या है, आपका रंग रूप क्या है, उसके साथ आपके संबंध क्या हैं, उससे आप वार्तालाप कैसे कर सकते हैं, उससे बात कैसे कर सकते हैं, उसका हर पल आप मदद कैसे ले सकते हैं, अपने अंदर से आसुरी गुणों को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जो शिक्षा है वो 7 दिनों के अंदर होती है। और हमारे ब्रह्मा कुमारीज के ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पर भी ब्रांचेज हैं, जाएंगे आप वहाँ पे, तो निःशुल्क होता है, वहाँ पे कोई पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान अगर पैसे लेने लगेगा तो फिर बाकी दुनिया का उद्धार कौन करेगा जी। तो 6-7 दिन के मेडिटेशन कोर्स में सारी शिक्षाएं दी जाती हैं, और उसके बाद ध्यान सिखाया जाता है कि कैसे हम भगवान से वार्तालाप करें, कैसे उसके साथ जुड़ें। तो जब हम ये ध्यान करना सीख जाते हैं, तो परमात्मा से जब हम ध्यान करते हैं, तो परमात्मा की शक्तियाँ हमारे आत्मा के अंदर आती हैं, और आत्मा के अंदर जो बुरी चीज़ें आ गई थी, जो बुरे संस्कार आ गए थे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। वैसे ख़त्म होती हैं जैसे अगर सूर्य की रोशनी किचड़े पे पड़े तो किचड़ा सूख जाता है, वैसे ज्ञान सूर्य परमात्मा की जब रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है, वास्तव में जब हम विधि विधान से करते हैं, तो आत्मा के अंदर जो बुराइयाँ थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, और आत्मा के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं, 7 गुण हैं, ज्ञान, गुण, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शांति, सारे चीज़ डेवलप हो जाते हैं। जैसे अंधकार जाता है प्रकाश आ जाता है, वैसे अंदर से हमारे अंदर से बुराई निकलती है और अच्छाई आ जाती है, फिर इंसान नर से नारायण और देवी से देवता बन जाता है। ये ब्रह्मा कुमारीज की मूल शिक्षा है, और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाके चरण वंदना करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाके घड़ी घंट बजाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना मन मेरे में लगाओ, क्योंकि जो कुछ पैदा होता है पहले मन में पैदा होता है, देन कर्म में आता है। तो परमात्मा आके सबसे पहले कहते हैं कि तुम अपने मन को सिर्फ मेरे में लगाओ, बाकी मैं जो देता हूँ तुम लेते जाओ, बाकी तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। ये ब्रह्मा कुमारी की शिक्षा इस तरीके से होती है, उसके जुड़ने के लिए कोई और भी विधि विधान नहीं है। आप कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एनीवन, कोई भी कहीं पर भी जाके उसे ये शिक्षा ले और अपने जीवन को बदल सकता है जी। अच्छा, ये तो आपने बता दी कि किस तरह से जो है शिक्षा जागृत की जाती है तमाम लोगों के अंदर। अब अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी संस्थान से जुड़ना चाहता है तो उसको क्या करना होता है इस संस्थान का हिस्सा बनने के लिए? कुछ नहीं करना होता है, सीधा आप जाएं आप और सीधे आपको हिस्सा बना लिया जाता है। समय निकालिए, आप समय निकालिए, आप आधे घंटे घंटे समय दीजिए, 6-7 दिन आप सीख लीजिए, आप करते रहिए, आपके अंदर जीवन में बदलाव आने लगेगा, आप हिस्सा बन गए बस जी, बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें जी। तो दर्शकों, ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी कुछ खास बातें यहाँ पर
सर ने हमें बताई हैं कि कैसे आप अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, डिवाइन शक्ति को किस तरह से पहचान सकते हैं और आपके अंदर जो कमी है उनको आप कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे उस कमी से आपको जो है छुटकारा मिल सकता है। अपने आप को अगर आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, वाकई में खुशियों की अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं, सुख की अनुभूति आप करना चाहते हैं, तो आपको अपने मन से, अंतरात्मा से खुश होना होगा, सुखी होना होगा, अपने गुणों को जो है निखारना होगा। और ये सभी ज्ञान आपको मिलता है ब्रह्म कुमारी संस्थान में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपाधापी से आप बच जाएं, जीवन आपका सुखी हो जाए, खुशमय हो जाए, तो इस संस्थान का हिस्सा आप और हम भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समय निकालना है। थोड़ा सा समय निकाल करके इस संस्थान में आप जाएं, 6 से 7 दिनों का जो मेडिटेशन का कोर्स यहाँ पर करवाया जाता है, उस कोर्स को आप करें और फिर आप हमें बताइएगा कि कितनी शांति आप महसूस कर रहे हैं और कितना सुकूनमय आपका जीवन हो गया है। आप सर हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अच्छी बातें हम सभी को बताई, आपका बहुत बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नमस्कार। तो दर्शकों, स्पॉटलाइट कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे ब्रह्म कुमारी संस्थान के PRO कोमल जी से। बहुत अच्छी अच्छी बातें उनसे हम सभी ने सीखी हैं और उम्मीद हम कर रहे हैं कि अगर आप भी संस्थान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय निकालकर आप भी इस संस्थान में विजिट ज़रूर कीजिएगा। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।